नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कहते हैं आप लोग दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग अभी तक सिख गुरु और सिख धर्म को देख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए सिखों के राजनीतिक विस्तार को देखेंगे, सिखों के साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो सिख धर्म और सिख गुरु के बारे में जब हम देख रहे थे, तो हमने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब के बारे में पढ़ा था और उनको देखा था कि 1708 ईस्वी में उनका नांदेड़ महाराष्ट्र में कैसे हत्या कर दी गई थी। और जब हत्या कर दी गई थी तो फिर सिखों का कमाल अब कौन संभाले, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब कोई गुरु आगे नहीं होंगे और उनका जो अगला गुरु होगा सिखों का, वो आदि ग्रंथ के रूप में ही माना जाएगा, जो सिखों का ग्रंथ था। तो अगला जो बंदा सिखों का कमाल संभाला, वो एक सेनापति के तौर पर संभाला, और वो आदमी कौन था, वो व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर कौन था, चलिए इसको देखते हैं। तो बंदा बहादुर जिसका शासनकाल 1708 से 1716 के बीच में रहा, क्योंकि 1708 में गुरु गोविंद सिंह साहब की हत्या कर दी गई थी। तो ये बंदा बहादुर जिसका प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था, वे गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे, वो गुरु गोविंद सिंह जी के ही एक प्रिय शिष्य थे, और गुरु गोविंद सिंह उसको गुरबख्श के नाम से भी पुकारते थे, बुलाते थे। तो वही जो उसका शिष्य था बंदा बहादुर, उसने ही एज ए सेनापति सिख धर्म की रक्षा के लिए, सिखों की रक्षा के लिए सेनापति के तौर पे कमान को संभाला, क्योंकि अब गुरु नहीं बन सकते थे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। वे बंदा बहादुर कहाँ के थे, तो वे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के थे, तथा वे सिख धर्म की रक्षा के लिए सिख सेनापति के तौर पे शुरुआत की और शासन को चलाने लगे, सिख धर्म को और सिख जो साम्राज्य को है उसको बढ़ाना शुरू कर रहे थे। और साथ में मुगल जो थे उस समय, मैं थोड़ा सा आपको एक मैप के जरिए बताना चाहता हूँ कि भारत का अगर टॉप का मैप अगर देखना जान रहे होंगे आप, कि अगर सपोज कीजिए कि इंडिया का मैप है इस तरह से टॉप में, और इस तरह से अगर मैप को आप देख रहे होंगे, तो इस समय जो अभी प्रेजेंट इंडिया का टॉप का मैप है, और जो 1708 ईस्वी में इंडिया जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी इसमें इंक्लूड हुआ करते थे, तो जो पंजाब प्रांत होता था वो करीब करीब ये पूरा रीजन जो था वो पंजाब प्रांत का बनता था, ये पूरा रीजन पंजाब प्रांत जहां पे सिखों का शासन चलता था वो पूरा पंजाब प्रांत के रीजन चलता था, और दिल्ली में जो थे वो मुगल शासन थे, और यहाँ इसका कंट्रोल था मुगल शासकों का, और मुगल शासक बार बार अपने टाइम पीरियड के दौरान चेंज हो रहे थे। तो शुरू से ही मुगलों में और पंजाब के जो गुरु थे उसमें पारस्परिक संघर्ष रहा करता था। तो इसी कारण से जब बंदा बहादुर जी सेनापति के तौर पे सिखों का कमान संभाला, तो फिर उन्होंने भी मुगलों से उनका संघर्ष जारी रहा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल के जो एक शासक थे बहादुर शाह प्रथम, उनसे संधि कर ली थी, लेकिन उनके बाद जो शासक आए फर्रुख सियर, फिर उनकी उस तरह से पॉलिसी नहीं रही सिखों के प्रति, जिसके कारण बंदा बहादुर को उनके साथ फिर संघर्ष करना पड़ा और विद्रोह करना पड़ा, और जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ, तो मुगल शासन के विरोध के कारण तत्कालीन मुगल शासक जो फर्रुख सियर थे उस समय, तत्कालीन मुगल शासक फर्रुख सियर ने उनको फांसी दे दी। कब, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दी, और उसके बाद बंदा बहादुर की कहानी वहीं खत्म हो गई। तो फिर अब सिख धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर सिख धर्म का जो कमान संभाला वो था इनके बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल के कमान को संभाला। अब मैंने पिछले वीडियो में खालसा दल के बारे में, खालसा पंथ के बारे में बताया था कि खालसा पंथ का शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे किया था। तो खालसा दल के जितने भी सिख अनुयायी थे उसको एकत्रित करके कपूर सिंह ने खालसा दल को संभाला, और सिख का एक तरह से आप कर सकते हैं कि प्रतिनिधित्व किया, तथा अन्य सिख सरदारों को भी एकत्रित कर सिखों की स्थिति को मजबूत किया, तथा मुगल शासन समाप्त प्रायशः हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जो मुगल शासक आए वो इतने योग्य नहीं रहे और कमजोर होते गए, उनका साम्राज्य विघटन होते गया, उधर सिख जो है वो अपने संगठन के कारण मजबूत होते गए, तो सिख मजबूत हो गए और मुगल शासक क्या हुए, कमजोर हो गए, तो मुगल शासक जो है समाप्त प्रायशः हो गया और सिख जो है अपनी मजबूत स्थिति के
तरफ बढ़ते चले गए। तो बंदा बहादुर के बाद फिजलापुर के कपूर सिंह ने क्या किया था दोस्तों, कमान को संभाला था। उसके बाद से सिख जो है पूरा मैदानी भाग जो पंजाब का था वो जीतना शुरू कर दिया। तो देखिए कहां कहां से जीता, तो इसके बाद सिखों ने 1773 ईस्वी तक, 1773 से 1716 के बाद से 1773 तक उनका स्थिति सुदृढ़ होते गया और पंजाब के समस्त मैदानी भाग के साथ साथ पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग से दक्षिण में मुल्तान तक जीत लिया। मैंने बताया था दोस्तों कि ये पूरा जो था सिख का टॉप का इलाका, तो इधर जो है पूर्व में, इधर पूर्व में सहारनपुर जो आजकल के यूपी में पड़ता है, सहारनपुर तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था और इधर अटक तक कैप्चर किया था पश्चिम में। ऊपर में जितने पहाड़ी भाग थे, हिमालय के क्षेत्र के जितने पहाड़ी भाग जम्मू कश्मीर के थे, वो सारे प्रांत उन्होंने जीत लिए। और दक्षिण में जो पंजाब, जो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान का मुल्तान क्षेत्र है, वहां तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो ये चारों दिशाओं में सिखों का परचम ऊपर के भारत के टॉप के नक्शे में जितने भी ऊपर और उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र है वो सारे को उन्होंने जीत चुका था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि उस समय बंदा बहादुर के मरने के पश्चात क्या हुआ, तो सिखों में एकता नहीं रही, सिखों का जो पूरा समुदाय है वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। सिख तो मजबूत होते गए, एक राजा को हरा के दूसरे राजा को हरा के तीसरे राजा करके सिख ही आगे बढ़े, लेकिन वो उनके आपस में अलग अलग समुदाय बन गए, अलग अलग बंटवारा सा हो गया और इस तरह से 12 सिख समुदाय आपस में टूट गए, जिसे मिसल के नाम से जाना गया कि सिख जो है 12 मिसलों में टूट गए। यानी कि बंदा बहादुर के बाद केंद्रीय शासन के अभाव में सिख जो है वो 12 मिसलों में टूट गए। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने तो जीत लिया पूरा क्षेत्र, मैदानी भाग, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सारे जगह तो सारे क्षेत्रों को जीत रहे थे, लेकिन साथ में क्या हुआ कि परंतु इनके शासकीय इकाई में अभाव में बंदा बहादुर के पश्चात सिख अलग अलग 12 समुदाय में बट गए और इस समुदाय को मिसल कहा गया। तो प्रमुख मिसल कौन कौन से रहे, तो अहलवालिया मिसल, भांगे मिसल, फैजलपुरिया मिसल, कन्हैया मिसल, निकाय मिसल, निहांग मिसल, रामगढ़िया मिसल, सकुर चक्या मिसल इत्यादि और सारे मिसल बने। तो जिसमें सबसे मजबूत मिसल जो था, जो सबसे ज्यादा इन मिसलों में सबसे मजबूत समुदाय था, वो भांगे मिसल था। ये भांगी मिसल जो था वो सबसे मजबूत मिसलों में जाना जाता था। लेकिन हुआ यूं कि सुकर चक्या मिसल में एक बहुत ही प्रतिभाशाली और योग व्यक्ति उस मिसल का मुखिया बनता है और उस व्यक्ति का नाम होता है रंजीत सिंह, और वही रंजीत सिंह आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा सिख साम्राज्य की स्थापना करता है और सारे मिसलों को उसने एकत्रित कर दिया और भांगी मिसल को भी कमजोर करके अपने मिला करके पूरा सिख साम्राज्य का स्थापना किया। तो चलिए दोस्तों, जो सुकर चक्या मिसल के जो मुखिया महाराजा रंजीत सिंह है उनके बारे में अब देखते हैं कि वो कैसे सिख साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो महाराजा रंजीत सिंह, तो महाराजा रंजीत सिंह जिनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को कहां हुआ था, तो सकुर चक्या जो मिसल थे उनके जो मुखिया था, उनका मुखिया का नाम था महासिंह। तो महासिंह के घर में महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था। वो सकुर चक्या मिसल के मुखिया थे, उसके फादर। उन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। महाराजा रंजीत सिंह इतने प्रभावशाली व्यक्ति और शासक बने जिन्हें इतिहास में इन्हें शेरे पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। अपनी योग्यता एवं बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसल के अलावा डोमरो, नेपालियों एवं अफगान के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, अपने बुद्धिमत्ता और योग्यता से सभी मिसल के जितने भी सरदार थे, 12 मिसलों को एकत्रित कर लिया, सबको आपस में मिला के एक संगठित बनाया। उसके अलावा जो डोंगरी थे, नेपाली थे, अफगानिस्त थे, उनके साथ भी युद्ध और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल करके उन्होंने संबंध स्थापित किए, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध जो रहा था वो अफगान शासक जमन शाह के साथ रहा था, जिसमें युद्ध के दौरान क्या हुआ, जमन शाह जो अफगान शासक थे वो उनको, उनसे प्रसन्न होते थे। अब क्यों प्रसन्न होते थे उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि 1799 में अफगान शासक जमन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक
पद घोषित कर दिया, मतलब लाहौर प्रांत का जो शासक पद है वो रंजीत सिंह को सौंप दिया जमन शाह। तो ऐसा क्या हुआ जो जमन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर के शासक घोषित कर दिया? तो जब 1798 में, इससे जस्ट एक साल पहले, 1799 से एक साल पहले 1798 ईस्वी में जमन शाह जो अफगान के शासक थे उन्होंने पंजाब पे आक्रमण कर दिया, और पंजाब पे जब आक्रमण किया तो रंजीत सिंह के साथ उनकी भिड़ंत हो गई और दोनों युद्ध हुए, लेकिन युद्ध कोई स्थिति में पहुंचा नहीं और निर्णय की स्थिति में रहा। और जमन शाह जब वापस अफगान जा रहे थे तो जो चेनाब नदी थी जब उसको क्रॉस कर रहे थे तो उनके जो तोप थे, कहते हैं कि 12 तोप जो है वो जमन शाह के वो चेनाब नदी में गिर गए और जमन शाह ऐसे ही चले गए। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह इतने दिलदार थे कि वो अपने दुश्मन जो जमन शाह थे उनके सभी 12 टैंकों को तोपों को निकाल के फिर से जमन शाह के घर भिजवा दिए, जिससे जमन शाह प्रसन्न हो गए और रंजीत सिंह के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और इसी क्रम में उन्होंने लाहौर के प्रांत का शासक रंजीत सिंह को सौंप दिया। और इस समय रंजीत सिंह के लिए सबसे सुनहरा मौका मिला कि भारत से बाहर निकल के वो अफगान के क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से 1799 ईस्वी में अफगान के जमन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दे दिया, यानी कि लाहौर के शासक भी अब जमन रंजीत सिंह ही बन गए थे। और इसी क्रम में 1805 ईस्वी में अमृतसर को भंगी मिसल से छीना, भंगी मिसल जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही ताकतवर मिसल था, उसको भी कमजोर करके अमृतसर उनसे छीन लिया तथा जम्मू पर भी अधिकार कर लिया। अब इस कारण से अमृतसर भी रंजीत सिंह के पास आ गया और लाहौर तो उसके पास पहले से था। तो रंजीत सिंह ने अपनी दो राजधानियां बनाई, कौन कौन दो राजधानी? तो एक अमृतसर और दूसरा लाहौर। तो लाहौर जो राजधानी थी वो उनकी राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर जो राजधानी थी वो उनकी धार्मिक राजधानी थी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद उन्होंने दो राजधानियां बनाई, एक अमृतसर जो कि धार्मिक राजधानी बनाई गई और दूसरी लाहौर जो कि राजनीतिक राजधानी बनाई गई महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। अब क्या हुआ दोस्तों कि 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेज के साथ अमृतसर की संधि राजा रंजीत सिंह ने साइन की। क्यों? क्योंकि उस समय तक 1805 ईस्वी तक अंग्रेज करीब करीब भारत के बहुत सारे क्षेत्र को जीत चुका था, लेकिन उत्तर पश्चिम के क्षेत्र जो था, ये भारत का मैप है आप उसको देख सकते हैं, तो इस शहर में चूंकि सिखों का साम्राज्य था और जो कि ताकतवर था तो इस क्षेत्र को अंग्रेज जीत नहीं पाया था, लेकिन उनकी नजर थी इस क्षेत्रों में जीतने की, लेकिन वो सोचता था कि इस क्षेत्र में युद्ध करने उसके लिए उस समय हानिकारक होगा इसीलिए। और दूसरा कारण अंग्रेज का ये भी था कि विदेश नीति में वो अंग्रेज ये देख रहा था कि यूरोप में जो नेपोलियन उस समय शासक था 1805 के दौरान, तो फ्रांस का जो शासक नेपोलियन था उसका जो शक्ति थी बहुत बढ़ती जा रही थी, नेपोलियन बहुत देशों को जीतते, क्षेत्रों को जीतते जा रहा था, और साथ ही फ्रांस और रूस की मित्रता से घबरा करके अंग्रेज सोचा कि कहीं भारत पे भी नेपोलियन अटैक न कर दे, और उस समय इस क्षेत्र में उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में अंग्रेज का कोई शक्ति नहीं थी, अपना कोई साम्राज्य नहीं था, जिसके कारण उसने सोचा कि क्यों ना महाराजा रंजीत सिंह के साथ हम संधि कर ले ताकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र को हम विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित कर सके और रूस और फ्रांस के शक्ति कहीं इस क्षेत्र से हमारे ऊपर अटैक न करे। तो उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेज राजा रंजीत सिंह के साथ एक संधि की, जिसे अमृतसर के संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। अब चलिए देखते हैं, तो अमृतसर की संधि थी कि, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकैफ जो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करते थे और रंजीत सिंह जो सिख की तरफ से नेतृत्व करता थे, ये दोनों के बीच में अमृतसर की संधि हुई। संधि में शर्तें क्या थी, संधि का प्रावधान क्या था? तो सतलज के पूर्व में अंग्रेज तथा पश्चिम में रंजीत सिंह का शासन। अब मैंने यहाँ पे दोस्तों एक इंडिया का टॉप का मैप बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है और यहाँ पे एक झील है राक्षस ताल, जो एक मानसरोवर झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील के निकट ही एक झील थी राक्षस ताल, जहां से सतलज नदी निकलती है और सतलज नदी इस तरह से निकलते हुए भारत को बांटते हुए
ऐसे करते हुए वो अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो सतलज नदी, ये अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में ये डिसीजन हुआ, ये शर्त रखा कि सतलज नदी के पूर्व में अंग्रेज का शासन रहेगा और सतलज नदी की पश्चिम पूरा का पूरा रंजीत सिंह का शासन रहेगा, और सतलज नदी को बीच का सीमा मान लिया गया। मतलब कहने का ये है कि सतलज नदी के इधर ना तो आप आक्रमण करेंगे और सतलज नदी के उधर ना तो मैं आक्रमण करूंगा, यानी सतलज नदी सीमा बना दी गई। यही मेन संधि का प्रावधान था। अब इसके बाद जब संधि हो गई, इसके बाद जो अंग्रेज अपने सतलज नदी के पूर्व में खुलकर अपना साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया, और उसी तरह से रंजीत सिंह सतलज नदी के पश्चिम में अपना खुल के साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि रंजीत सिंह के पश्चिम में साम्राज्य विस्तार की क्या क्या क्रम रहे। तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में सबसे पहले कांगड़ा को 1811 में जीता रंजीत सिंह ने, फिर अटक को 1813 में, मुल्तान को 1818 ईस्वी में, कश्मीर को 1819 में, पेशावर को 1834 में जीता। इस तरह से बहुत सारे युद्ध करते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने बहुत सारे क्षेत्र को, सतलज नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र को जीत लिया था। जमरूद का युद्ध जो कि 1837 ईस्वी में लड़ा गया था, वो राजा महाराजा रंजीत सिंह का आखिरी युद्ध था। उसमें एक उनके बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पराक्रमी सिपा सलार थे जिसका नाम था हरि सिंह नलवा। उसका नाम क्या था दोस्तों? हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो जमरूद का युद्ध जो कि 1837 ईस्वी में लड़ा गया था, वो महाराजा रंजीत सिंह की आखिरी युद्ध थी। और 1814 में कहा जाता है कि अफगान शासक जो अमीर शाह शुजा थे, अफगान के एक शासक जो 1814 में अमीर शाह शुजा थे, उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान की, क्योंकि उनके पास जो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा से मिला था खानों से, वो अमीर शाह शुजा के पास था। तो वो रंजीत सिंह को 1814 ईस्वी में कोहिनूर हीरा प्रदान की। और 27 जून 1839 को लकवा बीमारी के कारण महाराजा रंजीत सिंह की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे रंजीत सिंह की कहानी खत्म हो गई। अब रंजीत सिंह चूंकि बहुत ही योग्य शासक थे, वो अपने समकालीन में जो किसी भी भारतीय राजा थे उनकी सभी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली राजा रंजीत सिंह की सैनिक शक्ति थी, और इस बात से अंग्रेज भी उनसे काफी परिचित थे, और रंजीत सिंह भी अंग्रेजों के शक्ति से काफी ज्यादा परिचित थे। वे जानते थे अगर अंग्रेज से हम युद्ध करेंगे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, और अंग्रेज सोचते थे कि अगर रंजीत सिंह से युद्ध किया तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह कभी भी अंग्रेजों के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न की ही नहीं, और अंग्रेज भी जब तक राजा रंजीत सिंह रहे तब तक पंजाब के क्षेत्रों में कभी भी आक्रमण नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों की नजर हमेशा पंजाब पे और पंजाब को हथियाने पे, पंजाब को हड़पने पे टिकी रही, लेकिन रंजीत सिंह के भय से कभी भी अंग्रेज पंजाब पे आक्रमण नहीं किया। तो जब राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, वो इतने योग्य शासक थे और उनके बाद कोई भी शासक इतने योग्य नहीं आए, जितने भी शासक आए वो सभी अदूरदर्शी थे। राजा रंजीत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता था कि उनके एक ही आंख थे और वो कहते थे कि हमारे एक आंख इसीलिए है कि ईश्वर चाह रहे थे कि वो सभी धर्मों के एक ही नजर से देखे, इसीलिए उसकी दूसरी आंख की रोशनी छीन ली गई। तो राजा रंजीत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास एक ही आंख इसीलिए था। तो राजा रंजीत सिंह के बाद जो उन शासक आए वो इतने योग्य नहीं थे, जिसमें उनका एक पुत्र था खड़क सिंह, आप नोट कर लीजिए दोस्तों, खड़क सिंह थे। वो शासन कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन खड़क सिंह इतने योग्य शासक नहीं थे, इतने डिसिप्लिन शासक नहीं थे, उसे अफीम खाने की आदत थी, जिसके कारण क्या हुआ, जो उसके दरबारी थे, दरबारी के जो थे उसी में दो दल बट गए, दो दल टूट गए, और जिसके कारण पंजाब के क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति फैलते चली गई। तो जब अराजकता की स्थिति फैल गई तो दरबारियों ने मिलकर एक अपवयस्क राजा दिलीप सिंह को सिखों का साम्राज्य का राजा बना दिया, जिसका संरक्षक जिंदा कौर थी, जिंद कौर उसका संरक्षिका बनी, और एक अल्पवयस्क छोटे से बालक दिलीप सिंह को उस समय शासक बना दिया गया। लेकिन दरबार में दो दलों में टूट पड़े हुए थे। तो ये दो दल कौन थे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इसको मिटा के लिख देता हूँ, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो राजा रंजीत सिंह के बाद उसके पुत्र जो खड़क सिंह बने, वो केवल 5 महीने के लिए शासक बने थे, जून 1839 से अक्टूबर 1839 तक के लिए। उसके बाद से
दरबारियों में फूट पड़ते गए तो वो खड़ग सिंह को हटा दिया गया। उसके बाद जो दरबार थे वो दो दलों में टूट गए। दो दल कौन कौन थे? तो संघवालिया सरदार और डोगरा बंधु। तो संघवालिया सरदार में मुख्य मुख्य कौन थे? तो चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह इत्यादि थे। और डोगरा बंधु में कौन कौन थे? ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह इत्यादि थे। तो ये दोनों दलों के कारण पंजाब में, क्योंकि ये दोनों दल अपनी अपनी मनमानी करने लगे और कोई केंद्रीय राजा ऐसा शासक मौजूद रहा नहीं जो दोनों को कंट्रोल कर सके, जिसके कारण पंजाब के क्षेत्रों में अराजकता फैल गई और पंजाब का क्षेत्र धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। और इसी को व्यवस्था का सुधार करने के लिए 1847 में कुछ दरबारियों ने मिलकर एक अल्प वयस्क राजा दलीप सिंह को सिखों का राजा घोषित किया गया। कितने में? 1843 ईस्वी में, जिसकी संरक्षिका रही जिंद कौर। लेकिन फिर भी वो शासन इतने अच्छे से चला नहीं और इन दो दलों की अराजकता के कारण और जो कुछ महत्वाकांक्षी सरदार और सेनापतियों के कारण, स्वार्थी सेनापतियों के कारण अंग्रेज से सिखों को दो युद्ध लड़ने पड़े, क्योंकि अंग्रेज इसी ताक में थे कि कब ऐसा सिचुएशन हो कि पंजाब में अराजकता फैले और उसी अराजकता के बहाने कंट्रोल करने के लिए मैं पंजाब को हड़प लूं। और ये मौका दिलीप सिंह के समय में अंग्रेजों को मिला और 1845 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में सिख और अंग्रेज के बीच में दो युद्ध लड़े गए, जिसे सिख आंग्ल युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस दोनों युद्ध को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो या एसएससी का हो, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आंग्ल और सिख के युद्ध के आधारित वीडियो आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो पर आधारित आज का प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन सुकर चकिया मिसल, दूसरा संघवालिया मिशन, तीसरा अहलूवालिया मिशन और डी चौथा रामगढ़िया मिशन। आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छे से देख रहे होंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आंग्ल सिख युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।